को हुए पुलवामा में आतंकवादी हमले में हमारे 42 सैनिक शहीद हो गए थे, जिससे सारा देश एक तरफ शोक की लहर में डूबा हुआ है। वहीं आज गुना में एक अजब ही नजारा देखने को मिला। शहर के एक प्रतिष्ठित सोनाली पब्लिक स्कूल में डीजे बजाए जा रहे थे, साथ में डांस भी हो रहा था। इस संबंध में जब हमने स्कूल के संचालक से बात की तो उन्होंने बताया कि छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन रखा गया है, लेकिन समझ से परे कि जहां एक तरफ पूरा देश शोक की लहर में डूबा है और आज सभी वीर सैनिकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, इस दिन एक शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चों को देश प्रेम और देशभक्ति को सिखाया जाता है, वहां इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जब हमने संचालक से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पहले से ही निश्चित था, परंतु एक बात समझ में नहीं आती कि जहां देश के वीर सपूतों के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए तो क्या एक विद्यालय में यह कार्यक्रम होना जरूरी था। इस कार्यक्रम के बाद विद्यालय की छवि लोगों के मन में कैसी बनेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा एवं कैंडल मार्चों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस प्रतिष्ठित विद्यालय में इस तरह के आयोजन करना कहाँ तक उचित है। देश जानता है कि 14 तारीख को पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ और जिसमें 42 सैनिक हमारे शहीद हुए। अभी सर उन लोगों को 3 दिन भी पूर्ण नहीं हुए, आज के दिन सारे शहीदों की अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ऐसे मौके पर सर आपके स्कूल में डीजे बजाए जा रहे हैं, पार्टी की जा रही है? सर पार्टी नहीं है, ये एक विदाई समारोह है 12th के बच्चों के लिए। एक्चुअली में क्या इन लोगों के एग्जाम बोर्ड के नज़दीक है, इसीलिए हमको ये हमारा प्रोग्राम काफ़ी मतलब 15 डेज पहले से ही डिसाइडेड था, लेकिन ये दुर्घटना हुई है, इसके लिए हमें बहुत अफसोस है। लेकिन क्या है, एक्चुअली बच्चों के एग्ज़ाम हैं, इसलिए हमको ये थोड़ा सा इस कार्यक्रम प्रारंभ किया, और हमने इससे पहले उनको शहीदों के लिए जो वो शहीद हुए हैं जो जवान, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर ये शादी ब्याह तो है नहीं सर, जिसका मुहूर्त अगर एक बार निकल गया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ सर, सारे शहीदों को अंतिम संस्कार किया जा रहा है सर, ऐसे क्षेत्र में हम जहाँ पे सारे गुना एक है सर, आपके स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, चलिए ठीक है आपका पहले से डिसाइडेड था, लेकिन सर क्या इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता सर? अपने शहीदों के नाम पे सर 3 दिन तो हम इसको छोड़ सकते थे। बिल्कुल सर, हमने उसके लिए स्कूल का पूरा अवकाश रखा हुआ है, स्कूल में छुट्टी है, बस ये है कि 12th की विदाई का है कार्यक्रम है, ये बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं बस। एक 11th वाले 12th डीजे बजाए जा रहे हैं सर आपके स्कूल में, डांस हो रहा है सर, वो थोड़ा सा उनका एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन है, इसलिए कराया। वैसे शिक्षा के मंदिर में सर सबसे पहले बच्चों को देशभक्ति सिखाई जाती है, सबसे पहले हमने श्रद्धांजलि ही दी है, उसके बाद ही हमने कोई कार्यक्रम का मतलब वहाँ पे कोई चालू किया है।